हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मिक्स इमेज जो है किस तरह बनाया जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हम कीबोर्ड में कंट्रोल एन करेंगे या फिर यहाँ फाइल में से जाएंगे, एक फाइल लेंगे। तो यहाँ देखिए, ऊपर में सबसे पहले आप कोई अपना नाम दे सकते हैं, जो कोई भी नाम दे देंगे तो वो फाइल ढूंढने में आसानी होगी, ठीक है। और ये विच हमें रखना है 10 इंचेस में, ठीक है, यहाँ पिक्सल नहीं रखना है, इंचेस में रखना है। हाइट जो है 8 रखेंगे, रेजुलेशन जो है 300 रखेंगे, ठीक है। तो इसे मैं ओके करता हूँ। इस तरीके से जो है, अब इसमें जो है आपके इसमें जो है आपके इच्छा अनुसार जो भी आप कलर रखना चाह रहे हैं, मान लो मैं येलो ही रखना चाह रहा हूँ। तो देखिए देखिए, यहाँ पे दो कलर है, एक ब्लैक है, एक ये कलर है। तो अगर आपको ब्लैक रखना है तो कंट्रोल बैक स्पेस कर देंगे तो यहाँ फिल्ड हो जाएगा, या फिर इसको रखना है तो अल्ट बैक स्पेस दें। मैं अल्ट बैक स्पेस करता हूँ तो ये आ गया, ठीक है। अभी जो मैं फोटो को ओपन करता हूँ, मान लो ये फोटो है, तो मैं जो है इसे इस तरीके से जो है ओपन करूँगा। तो इस तरीके से जो है आप भी कर सकते हैं। तो इसे जो है अभी सेट कर लें जैसे करना है आपको, जिस तरीके जितना फोटो आपको लगाना है उसी हिसाब से जो है आप कर सकते हैं। तो इसे जो है इंटर कर देंगे, इंटर कर देंगे तो दूसरा फोटो आपका खुल जाएगा, नहीं करेंगे तो आपका नहीं खुलेगा, ठीक है। इस तरीके से जो है हर फोटो को ला ला के आप इस तरीके से जो है कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप पूरा बना सकते हैं। आप सेट करके बाद में भी सेट कर सकते हैं। इसे देखिए, ये सब अभी देखिए, ये मैं इंटर नहीं किया हूं तो देखिए ये नहीं खुल रहा है, ठीक है। आपको इंटर लाजमी करना है। सेव फोटो कर दिया, इस फोटो को इंटर कर दिए। अभी हम दूसरा फोटो खोलेंगे, इस तरीके से जो है खुल जाएगा। आप जो है पूरा फोटो सेट कर लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें यहाँ देखिए, ये अभी है, ये सभी फोटो जो है हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है, ठीक है। इसको रिस्टराइज करना है,
तो हम पूरे फोटो को जो है पूरे फोटो को हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, शिफ्ट दबा के उसके बाद देखिए क्लिक करेंगे, ये सारा सेट हो गया। ठीक है, अभी राइट क्लिक करके हम रिस्टराइज लेयर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से अभी देखिए ये पूरा हो गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमें जो पड़ेगी ये दोनों टूल का, ठीक है, इरेजर टूल और मूव टूल का। तो चलिए, तो यहाँ से जो है आपको ब्रश जो है सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है अपने इच्छा अनुसार जो है आप ब्रश का साइज रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्लैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो है दो, ये दो है कलर, इसे ये ब्लैक ऊपर लाना है, तो एक्स दबाएंगे अपने कीबोर्ड। मैं ब्लैक ये यहाँ पे ये बैकग्राउंड जो है ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, एक्स दबाएंगे और कंट्रोल बैक स्पेस, ये हो गया। और अभी देखिए हम जब उस, मतलब ये है कि आप इसमें बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर हम मूव टूल में जाएंगे और देखिए यहाँ जो है ये ऑटो सेलेक्ट रखेंगे। ठीक है, तो जिस जिस पिक्चर पे आप माउस का ये रखेंगे उस पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। अगर यहाँ ऑटो सेलेक्ट से चेक कर देंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। तो आसानी के लिए जो है यहाँ पे जो है आप ये चेक लगा के रखते हैं। अब मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ और फिर इरेजर टूल में आ जाता हूँ। ठीक है, ये मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ कि ये बॉर्डर हो जाए, मतलब बॉर्डर देने के लिए। ठीक है, आप अपने इच्छा अनुसार जो है कर सकते हैं इस तरीके से। जो है मैं ब्रश तो बहुत छोटा रखा हूँ, आप बड़ा भी रख सकते हैं। यहाँ गलत हो गया, मैं ये जल्दी जल्दी के मारे जी इस तरीके से बता दे रहा हूँ आपको बताने के लिए। जो मैं फिर ये मूव टूल में जाएंगे, फिर इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, फिर रेजर टूल में जाएंगे। देखें मैं ब्रश को जो है थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और बहुत बढ़िया आ गया इसमें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे किसी टॉपिक के साथ।